Today we will discuss about on elasticity of demand. Elasticity of demand, elasticity is the name of the variable functions in quantity and price of the commodity. When the price is increased of any commodities, in the same ratio the quantity of the commodity is decreased. The changeable variable is shows to the elasticity, is the name of the elasticity. जो परसेंटेज के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है किसी की मांग में या फिर उसकी वस्तु की मात्रा में या फिर उसकी कीमत के अंदर गिरावट या वृद्धि देखने को जो मिलती है, जो परसेंटेज या रेशो जो निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड. तो यहाँ पर हम उसको देखते हैं इलास्टिसिटी. Elasticity equal the percentage of variable things, percentage change independent variable. Variable. Percentage change in dependent variable, percentage change in independent variable. ये हमारे change है. Dependent, ये dependent कर देते हैं यहाँ पर, independent कर देते हैं. एक मिनट. For dependent. Variable, independent variable. यहाँ पर elasticity delta x oblique delta y oblique y delta x oblique delta x. तो y डिपेंडेंट को दिखाता है, x इंडिपेंडेंट को. यहाँ पे सीरीज का पूरा करते हैं अपन. डेल्टा y x y डेल्टा y oblique delta y. Elasticity elasticity and change in variable value
consumption can change. दिस इज द मार्शल लॉ. मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर अपने नियम दिया था एंड मार्शल का बहुत इसमें योगदान है इकोनॉमिक्स के अंदर. इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन इलास्टिसिटी कैसे काउंट की जाएगी, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल जिन वस्तुओं के अंदर जो खुद किसी दूसरी वस्तु से प्रभावित न होकर के अब उसके अंदर या तो कीमत की वजह से या फिर किसी और कारण की वजह से उसकी गिरावट आती है या फिर उसमें वृद्धि होती है. जो गिरावट या वृद्धि हुई है वो कौन सी रेशियो या किस परसेंटेज से हुई है वो हम यहाँ पर लेते हैं. दूसरा वो वस्तुएं जो दूसरी वस्तु के गिरावट या वृद्धि होने से प्रभावित हुई है वो वस्तु लेते हैं. इन दोनों प्रकार की वस्तुओं में जो चेंजेस आता है जिस परसेंटेज से आता है उसी ही गणना को या उस कैलकुलेशन को ही इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं. जैसे इलास्टिसिटी इज इक्वल देन डेल्टा वाई, मतलब डेल्टा चेंज इन डिपेंडेंट कमोडिटी एंड डिपेंडेंट कमोडिटी, चेंज इन इनडिपेंडेंट कमोडिटी एंड इंडिपेंडेंट कमोडिटी. मतलब यहाँ पर एक तो वो कमोडिटी की मात्रा है जिसमें परिवर्तन हुआ है और वो जो एक्चुअल कमोडिटी की मात्रा है. यहाँ पर वही जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है और ये पर ये जो बिना परिवर्तन के जो फिक्स रेट है वो कमोडिटी की मात्रा है. यहाँ पर चेंजेबल डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ इंडिपेंडेंट कमोडिटी एंड चेंजेबल क्वांटिटी ऑफ इंडिपेंडेंट कमोडिटी. तो ये मल्टीप्लाई होकर के फिर हो जाती है चेंज इन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एंड चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी से मल्टीप्लाई होकर के फिर ये रेशियो निकल के आता है. तो यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है इस फंक्शन के द्वारा हम इलास्टिसिटी की रेट को काउंट करते हैं. अब वो कैसे करते हैं इसका भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं. द इलास्टिसिटी ऑफ फंक्शन function it simplifies it simply the rate of change yahan par aa raha hai aata yahan par aa raha hai rate of change delta y oblique y
Combined with it, multiplexing factor XY. Importance of the factor, importance of the factor factors of the price elasticity of demand. ये फैक्टर्स हैं हमारे जो इसके माध्यम से इसको किया जाता है। फिर और देखते हैं इसमें किन किन फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स है। सेटिंग प्राइसेस फैक्टर्स हमारे कौन-कौन हैं, सेटिंग प्राइसेस इसके आधार पर मार्केट की वैल्यू या मार्केट की डिमांड को देख करके हम प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करते हैं। दूसरा होता है हमारा फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि हम सारी चीजें आंखें बंद करके नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के जो कायदे कानून है उन्हीं को उनको भी हमें अपनाना पड़ता है, तभी जाकर के हम हमारे प्रोडक्ट की मांग और उसकी कीमत के अंदर बराबर में संतुलन या उसका बैलेंसिंग बना करके चल पाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा आएगा, जॉइंट प्रोडक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्ट। अब जॉइंट प्रोडक्ट में क्या कि हमें इस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, उसके बाद में जो वेस्टेज जो निकल के आती है, तो वेस्टेज हमारी फालतू में नहीं जानी चाहिए, बल्कि इंस्टेड ऑफ द वेस्टेज वी सर्च आउट द अदर फंक्शंस ऑफ द वेस्टेज दैट वी रिन्यूड द अदर प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म। हम उस वेस्टेज से कुछ इस तरह के भी सोर्सेज को सर्च आउट करना होता है कि उसके द्वारा भी कोई दूसरे प्रोडक्ट का पुनर्निर्माण हो सके, ताकि वो वेस्टेज हमारी खराब ना होकर के उसको भी हम काम में ले पाए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, ये सारी चीजें हमारे इसके ऊपर काम करती है। अब इसमें टाइप्स ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको हम कल देखते हैं।